अनुपमा और मालविका का रिश्ता कैसा होगा, आप सबको क्या लगता है? ये नज़ारा देखकर अब भी कोई ऐसी बात जरूर हुई जिसके चलते मालविका नाराज हो गई अनुपमा से और सीधे यहाँ से भागने लग गई। लेकिन अनुपमा तो ये अच्छे से जानती है कि जो रूठा होता है उसे कैसे मनाया जाए। एक छोटी सी चीटिंग करके उसने मालविका को रोका और कुछ ऐसे पकड़ लिया जैसे मानो किसी छोटे से बच्चे को हम पकड़ लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी तुमसे इतना ज्यादा गुस्सा हूँ और तुम मेरी गलतियाँ निकाल रहे हो, अब तो तुम छोड़ ही दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो ना। जरा भी नहीं। हो गया? ओह गॉड, तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या खाती हो? बाकी डांट तुम एक बार खा लोगे तो तुम भी स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ये ना कुछ क्यूट क्यूट बनने की जरूरत नहीं है, मेरा गुस्सा कम नहीं होगा इससे। छोड़ो। अब हुआ कुछ यूँ, मालविका ने सबके सामने ये कह दिया अनुज और अनुपमा को कि तुम दोनों तो आइडियल कपल हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। फिर क्या लगता है इस बात पर मालविका को डांट पड़ गई और वो रूठ के निकल गई वहाँ से। सॉरी बोल देती, अपना सॉरी ना अंदर जाके क्रिसमस ट्री में डालो। मुझे क्यों डाला, मेरी क्या गलती थी? मैंने बस इतना कहा ना कि तुम दोनों की शादी करवा लेनी चाहिए। तुम और भाई एक आइडियल कपल हो, तो इसमें कौन सी मैंने गलत बात कर दी है यार? सिर्फ मुझे क्यों डांटा, क्यों डांटा मुझे? अब अनुपमा समझा रही है मालविका को कि हर बात कहने का सही समय होता है। और जब अनुपमा ने समझाया मालविका को तो देखिए वो समझ भी गई। इसीलिए इस सीन को देखकर हम ये आपसे कह रहे हैं कि इनकी बॉन्डिंग कैसी होगी। फिलहाल बॉन्डिंग तो वनराज के साथ भी मालविका की कुछ ठीक ठाक ही लग रही है, जिसे देखकर काव्या का हाल बुरा हो गया है। हो क्या रहा है? Come on, does Kavya ever get a breather? अभी अनुपमा finally, अनुपमा से थोड़ी शांति मिली थी काव्या को, क्योंकि काव्या को लगा कि चलो ठीक है, वनराज ने खुद ही अनुपमा को कहा है कि वो अनुज के साथ सेटल हो सकती है। And now this, अब मालविका आ गई है वनराज के घर रहने के लिए, जो अनुज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वहाँ पर भी जब अनुपमा ने कहा कि ठीक है रहने दो मालविका को, फिर क्या मालविका तो वहाँ पर भी अनुपमा पर फिदा हो गई। थैंक यू सो मच। मैं जानती थी कि एवेंचुअली ना तुम्हें सबसे कूल निकलोगी। अब यूँ अचानक से किसी के घर में आकर रहना ये ठीक तो नहीं है, लेकिन भाई अब जब रिश्तों में खिचड़ी पकने लग जाती है ना, तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ रहेगी। अब नए रिश्ते जुड़ेंगे तो पुराने रिश्तों को तकलीफ तो होगी, और कुछ ऐसा ही आपको अब अनुपमा में देखने मिलेगा। ABP News रिपोर्ट।